दोस्तों आपको बता दें कि मनीषा रानी ने जब से झलक दिखला जा 11 जीता है तब से उनकी खुशी सातवें आसमान पर है। मनीषा ने शो में न सिर्फ अपने डांस बल्कि मजाकिया अंदाज से भी सबका दिल जीता। आपको बता दूं कि इस वक्त वह अपने होम टाउन बिहार में है। वहां मनीषा ने मुंगेर में परिवार और रिश्तेदारों के साथ खूब एंजॉय किया और पार्टी भी की। मनीषा रानी ने वीडियो ब्लॉग में बताया कि मुंगेर में उनका कैसे स्वागत हुआ और क्या क्या गिफ्ट मिले, लेकिन इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में बोल दिया कि पापा दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई दूसरी औरत बताए। और फिर एक्साइटमेंट में मनीषा और उनके पापा गलती से असली फोन नंबर बता देते हैं। मनीषा रानी ने मुंगेर में अपने जश्न का वीडियो ब्लॉग बनाया और फिर सभी बहनों को कमरे में बुलाकर गिफ्ट देखने लगी। जश्न के दौरान मनीषा रानी को काफी लोगों ने पैसे भी दिए। व्लॉग में मनीषा सेलिब्रेशन की पूरी कहानी बताती हैं और तभी पापा प्रमोद कुमार भी आ जाते हैं जो मनीषा की नकल उतारने लगते हैं। दोस्तों मनीषा और उनकी बहनें पापा के साथ मिलकर खूब मस्ती करती नजर आई। उसी बीच मनीषा ने व्लॉग में फैंस से कहा कि उनके पापा अपने सिर पर बाल लाना चाहते हैं और इसलिए फैंस कमेंट में कोई ऐसा हेयर ऑयल बताए जिससे बाल आ जाए। फिर वह मजाक में बोलती है कि उनके पापा को शादी करनी चाहिए। वह कहती है, मेरे पापा सिर पर बाल लाना चाहते हैं, प्लीज कोई कमेंट में बेस्ट ऑयल बताए। पापा अपनी शादी के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ रहे हैं। सॉरी लड़की नहीं, औरत, क्योंकि पापा का उम्र लड़की का नहीं रहा। अगर कोई औरत है जो मेरे पापा के साथ निभा सके तो बताए। इसके बाद मनीषा और उनके पापा गलती से फोन नंबर बता देते हैं। दोस्तों आपको याद दिला दे कि मनीषा रानी जब 5 साल की थी तो उनके मम्मी पापा का तलाक हो गया था। उसके बाद से पापा ने ही उन्हें और अन्य बच्चों को पाला। हालांकि मनीषा रानी ने झलक दिखला जा 11 में बताया था कि वह अभी भी मम्मी से मिलती है। मनीषा रानी आज स्टार बन चुकी है, पर यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें खूब स्ट्रगल करना पड़ा।